म्यूजिक। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। फिर से आप सिंपली हाईलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीचे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ऑफेंस 900 वाला रेशो सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर जिस भी रेशो पर आप बनाना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। रेजुलेशन 10:10 रखिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं। बैकग्राउंड पर ब्लैक कर लीजिएगा, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाइएगा, कोई भी एक तो पिक्चर आपको सेलेक्ट करना है, जिस पिक्चर पे आप एडिटिंग करना चाहते हैं। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर में फिल कंप्रेशन एरिया का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से आएगा, इमेज को आपको एडजस्ट कर लेना है, एकदम बीचों बीच कर लीजिएगा। देन आपको एक तो सॉन्ग की जरूरत होगी तो स्क्रीन पर टैप कीजिएगा, प्लस का आइकन में जाइएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स ऑडियो वाले सेशन में जाइएगा। जिस भी सॉन्ग पर स्टेटस बनाना चाहते हो सॉन्ग को ले लीजिएगा। तो मैं तब तक के लिए इस वाले सॉन्ग को ले लेता हूँ, आप कोई भी सॉन्ग यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही सॉन्ग। अब इस वाले एडो पे क्लिक कीजिए, लास्ट में आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ स्क्रीन पर टैप कर लीजिए, ये वाला जो ऑप्शन दिख सकते इस पर एक बार टैप करना है, और ये वाले ऑप्शन पर एक बार टैप कर देना है, आप लास्ट तक आ जाइएगा, ठीक है। इमेज जो है सो लास्ट तक आ जाएगा। अभी आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, इस इमेज में एक तो इफेक्ट देना है, तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर से यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, मूवी ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, यहाँ पे ऑक्सलेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है, फिर से स्टैंडर्ड सेटिंग करने के बाद यहाँ पे जो 45 दिख रहा है एंगल को, तो इसे आपको 90 कर देना है, सिंपली यहाँ पे इसे 90 कर दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देते हैं थोड़ा और ये देख सकते हैं, ये व्हाइट लाइन जो आ रहा है इस पर आपको परफेक्टली इसे कर देना है, तो 90 होगा। अब फ्रीक्वेंसी पे आपको क्लिक कर लेना है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ पे 0.50 कर देना है परफेक्टली, यहाँ पे ये व्हाइट लाइन जो आ रहा है यहाँ तक हम लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देख सकते हैं 90 और 0.50 इसे मैंने कर दिया। आप ऑक्सलेट पर क्लिक कीजिए, बैक आ जाएगा, एड इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, फिर से मूव ट्रांसफॉर्म में जाएगा, यहाँ पे स्विंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। स्विंग ये वाला जो देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है, फिर से यहाँ पे स्विंग पर क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी आपको 0.30 कर देना है, तो इसे हम परफेक्टली यहाँ पे 0.30 कर लेते, ये हो गया। अब एंगल पर क्लिक कीजिए, इसे -3 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे इसे -3 कर देते परफेक्टली, एकदम 3 पे ही रखिएगा, तो ये देख सकते हैं 3 हो गया। अब नीचे वाले पे क्लिक कीजिए, इसे प्लस में 3 करना है, तो इस साइड में इंक्रेज कर दीजिएगा, और ये थोड़ा सा, तो ये रहा, इसका भी काम हो गया। अब स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, हमारा ऑक्सलेट का काम हो गया, यहाँ पे एक बार प्ले करके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स पिक्चर आप देख सकते हैं, पिक्चर थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा नीचे से कटा है, तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, मूव ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, जूम वाले ऑप्शन पे जाइएगा, इसे हल्का सा जूम कर लीजिएगा कि किसी साइड से ये कटे ना, ठीक है। अब इसे प्ले करके एक बार देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा और कट रहा है, तो थोड़ा सा इसे हम जूम और कर लेंगे, यहाँ पे परफेक्टली ये हो गया, अब कहीं पे भी नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मूव करेगा इमेज में, जो मोशन इफेक्ट हुआ आएगा, पर ये कटेगा नहीं, ठीक है। इसका काम हो गया। अब स्टार्टिंग में आ जाइएगा, स्टार्टिंग में स्क्रीन पर टाइप कीजिएगा, यहाँ प्लस का आइकन जो है इस पर क्लिक कीजिएगा, ये जो स्टार के बगल वाला शेप आप देख रहे हैं इस पर क्लिक कर लेना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फील कंप्रेशन एरिया कर लेना है, पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। कलर एंड फील में जाइएगा, ऑप्शंस यहाँ पे ड्यूल कलर वाला जो ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये व्हाइट वाले को नीचे पूरी तरह से कर लीजिएगा, ब्लैक वाले को ऊपर से इस तरह से लेकर आ जाइएगा, और यहाँ ब्लैक वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, ये पेंसिल के नीचे वाले ऑप्शन पे टैप कीजिए, इसे आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देना, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे व्हाइट वाला जो है इसे आपको सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने बाद यहाँ पे कोई भी कलर आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये इमेज का जो कलर रेड टाइप का है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रख लेते, तो ये वाला, और इसका जो थोड़ा सा यहाँ पे हम कम कर देंगे इस तरह से कि ये मैच कर जाए, ठीक है। यहाँ पे लमसम मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से अभी ये मैच कर रहा है, ठीक है। इमेज से शैडो जो है सो मैच कर रहा है, बस इतना ही हमें करना था। अब यहाँ से बैक आइएगा, इस शेप को सेलेक्ट कीजिएगा, ए वाली एरो पे 2 बार टैप कीजिए, तब लास्ट में आ जाएगा। ओह यहाँ पे एक तो की लग गया था, 2 बार टैप कीजिए, अब लास्ट में आ जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे टैप कर लीजिए, आपका जो ये शैडो है लास्ट तक आ जाएगा। आप शैडो अपने पसंद से भी रख सकते हो, ब्लैक भी इसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इमेज के अकॉर्डिंग ही इसे रख दिया था, या फिर इसका कलर और भी आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे ये वाली कलर पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि यहाँ पर मैचेबल लग रहा है, तो इसे इतना पे इस तरह से भी रख सकते हैं, यहाँ पे इमेज से मैच कर रहा है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो भी यहाँ पे शैडो रखना चाहे रख लीजिएगा। अब इसके बाद एक बार प्ले करके देखिएगा कि फर्स्ट लैडिकल सबका क्या आ रहा है, क्योंकि लैडिकल्स में हमें एडिटिंग करनी है। तो फर्स्ट लाइन मेरा आ रहा है मोहब्बत में यूं, उतना ही छोटा छोटा लाइन रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से मेरा स्टार्टिंग हुआ था, तो यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, और मैंने यहाँ पर लाइन जो है कॉपी करके रखा है मोहब्बत में यूं, देख सकते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आप भी अपना कहीं से कॉपी करना चाहे तो कर सकते हो, गूगल पर मिल जाता है, या फिर आप टाइप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर अलाइन कर लीजिएगा, रोबोटो रेगुलर पर क्लिक कीजिए, बिग नूडल वाला फॉन्ट जो मैंने आपको दे दिया तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर 18 PT है तो इसे सेलेक्ट करके इसे 40 कर देना है, यहाँ पर सिंपली इसे आप 40 या 48 भी रख सकते हैं, अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग, लाइन के अकॉर्डिंग इसका साइज़ आप बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसे एक लाइन में इस तरह से कर लीजिएगा, ऑफेंस नीचे की तरफ यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, आप जहाँ भी रखना चाहे, अगर आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो नीचे लगाइएगा, तो थोड़ा ऊपर करके इसे रख लीजिएगा।
देन इसका कलर आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। तो मेरा बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे व्हाइट सुटेबल हो, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, तो इसे रख लेते हैं। अब राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने पर बॉर्डर एंड शैडो में जाइएगा, शैडो वाले ऑप्शन को इनेबल कीजिएगा और इसका जो यहाँ पे कलर है तो इसे जीरो कर दीजिएगा, थोड़ा सा बोल्ड यहाँ पे 3D टाइप का दिखने लगेगा। ठीक है, तो शैडो को ऑन करके इस तरह से कर लीजिएगा। अब इसके बाद स्टार्टिंग में इसे एक बार फिर से प्ले कीजिएगा कि लाइट कल्स खत्म कहाँ पे हो रहा है। तो हद को पार किया, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो। इसे सेलेक्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा उसे हम कट कर देंगे। अब इसमें इफेक्ट देना है, तो इसके बीचों बीच आ जाइए। बीचों बीच आने के बाद इसमें आपको इफेक्ट देना है, तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कीजिएगा, इफेक्ट में आइएगा, यहाँ ऐड इफेक्ट पे जाइएगा, यहाँ पे नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। अभी आपको क्या करना है, इसके स्टार्टिंग में आना है, यहाँ पे प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद इसके एकदम स्टार्टिंग बीच में आ जाइएगा, मतलब बीचों बीच, और यहाँ पे प्लस कीजिए। प्लस करने के बाद फ्रेंड्स बीच में इसको 100 कर देना है, स्टार्टिंग वाला 0 तो था ही, अब इसे बीच में 100 कर देना है स्टार्ट पे। ठीक है, इसे आप देख लीजिए, तो इसे 100 कर देंगे परफेक्टली, ये हो गया। देन अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे लेयर कंपोनेंट का ऑप्शन आएगा, कंपोनेंट कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ ऑफसेट पे क्लिक कीजिएगा और वाई जो देख सकते थे इसे सेलेक्ट कीजिएगा, वाई को आपको 1500 कर देना है, सिंपली वाई पे, ऑफसेट का वाई पे इसे 1500 कर दीजिएगा। थोड़ा सा और जाएगा, बस ये अपन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे परफेक्टली 1500 कर दिया। देन नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे स्केल का ऑप्शन दिखेगा, स्केल पे क्लिक कीजिएगा, इसे माइनस में 1 कर दीजिएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, स्टेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इसे आपको 10 कर देना है। तो सिंपली इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ये रहा 9, 10 पूरी तरह से लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर 10 इसे कर देना है, इसका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, इस तरह से बैक आ जाएगा। ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर शेड्यूल में चले जाइएगा और फिर से यहाँ पे रिबोन का जो ऑप्शन दिखता है इसे सेलेक्ट कीजिएगा। नीचे सेकंड वाला जो ऑप्शन फ्लो राइट, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे हल्का सा डॉट टाइप का आपको दिख रहा होगा, सुई धागा के बराबर में इस तरह से, जिसे हम थोड़ा मोटा करेंगे, तो रिबोन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर इसका जो फर्स्ट में आप देख सकते 0.193 है, तो इसे 300 के बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहा है, तो इसे हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 300 इसे और 15 कर लेंगे तो भी चलेगा। तो 0.317 मैंने इसे कर दिया। अभी आपको नीचे स्क्रॉल करना है, विथ पे क्लिक करना है, विथ आप देख सकते 0.200 है, तो इसे आपको 3.00 कर देना है। ठीक है, तो इसे थोड़ा फास्ट करिएगा, तो ज़्यादा टाइम लेगा ये, क्योंकि ज़्यादा इसे 3000 पे करना है, तो थोड़ा सा और रह गया ये, और ये कंप्लीट हो गया। ओह सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो इसे परफेक्टली 3.00 कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और रह गया, यहाँ पे ये परफेक्टली हो गया, देख सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ये कलर का जो ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इसका कलर चेंज करना है, तो सिंपली यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और जो भी कलर आप यहाँ बीच में देना चाहते हो उसे रख लीजिएगा। तो मेरे बैकग्राउंड और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेड सही रहेगा, तो मैं रेड रख लेता हूँ। देन इस रेड को थोड़ा बोल्ड करना हो तो यहाँ पर क्लिक करते और इस वाले ऑप्शन पर टैप करते, तो यहाँ पर रेड हो गया। यहाँ पर आपको दूसरा भी कलर कोई सही लगे, सुटेबल लगे, तो आप रख सकते हैं, जो भी कलर आपको सही लगे उसे रख सकते हैं। तो मेरे बैकग्राउंड और इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेड सही लग रहा है, तो मैं इसे रेड रहने देता हूँ। देन थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रीन पे टैप करते हैं, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ये वाला कलर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसे पूरी तरह से 1 कर देते हैं। ठीक है, टाइन पे यहाँ टाइन कलर जो है तो इसे पूरा 1 कर दीजिएगा, और टिंट जो है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे जो भी कलर आप रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड कलर जो यहाँ पे आ रहा है देख सकते हैं, तो यही कलर के लिए है, तो आपको जो भी सही लगे। तो मेरा एलो यहाँ पे सही लग रहा है, देख सकते हैं, तो इसे रखते हैं और थोड़ा बोल्ड करते हैं, या फिर इसे चलाकर देख रहे थे कौन सा कलर यहाँ पे सही लग रहा है, तो ये वाला कलर यहाँ पे सही लग रहा है, स्काई कलर जो है वो सही लग रहा है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे हम रहने देते हैं, बस हमारा लाइन हो चुका है कंप्लीट। अब आपको इसे प्ले करके देख लेना है कि कैसा लग रहा है आपको, कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, तो मोहब्बत में यू यहाँ तक आ गया। अब सिंपली सेकंड लाइन के लिए क्या करना है, इसी को सिलेक्ट करना है, ये डबल वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करना है, डबल लेयर्स वाला, कॉपी लेयर कर लीजिएगा, और ये लाइन जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे आ जाइएगा परफेक्टली इसके लाइन के लास्ट में, और फिर इस वाले ऑप्शन पे टैप कीजिए, यहाँ पे पेस्ट लेयर कर लीजिए, तो सेकंड लाइन आ गया। अब इसे एक बार प्ले करके देख लीजिए सेकंड लाइन आपका कहाँ तक आ रहा है। तो हद को पार किया, यहाँ तक आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ तक। तो सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दें, तो हमारा लाइन जो है आगे तक आ गया। इसी तरह से आपका कोई लाइन छोटा होगा, टेक्स्ट जितना बड़ा पेस्ट किया तो उसे छोटा होगा, तो जहाँ तक होगा वहाँ पर आइएगा, सिलेक्ट कीजिएगा, ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, एक्स्ट्रा जो होगा सो कट जाएगा। तो मेरा थोड़ा बड़ा था, तो जहाँ तक था वहाँ तक रहने देते हैं। स्क्रीन पर टैप करते हैं, इस वाले को फिर से सिलेक्ट करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे,
देन यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से क्लियर कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट वाला जो लाइन होगा उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा। तो हद को पार किया, मेरा नेक्स्ट वाला लाइन था, मैं इसे पेस्ट कर दूँ और देन राइट क्लिक करेंगे। इसी तरह से आपको पूरा लाइटिकल्स कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे लोगो वगैरह आप जो भी लगाना चाहते हैं उसे लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डॉट पार्टिकल हम देंगे, तो उसके लिए प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, एक तो यहाँ पे शेप सेलेक्ट कर लीजिएगा, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, नीचे फिल कंप्रेशन एरिया पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे कलर एंड फिल में जाइएगा और इसका कलर यहाँ पे ब्लैक कर दीजिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन स्क्रीन पर टैप कीजिएगा, फिर से इसे सेलेक्ट कीजिए, इस वाले एरो पर दो बार टैप कीजिए, आप लास्ट में आ जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पर एक बार टैप कर दीजिए, आप लास्ट तक आ जाएंगे। इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, एड इफेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे प्रोसीडर वाला ऑप्शन आएगा, इसे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे सिंपल स्टार्ट फील्ड आ जाएगा, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लीजिएगा और इसके स्टार्टिंग में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कीजिएगा, फिर इसके लास्ट में आइएगा और यहाँ पे भी प्लस कीजिएगा। वाई को सिलेक्ट कीजिएगा, वाई को आपको 100 के अकॉर्डिंग कर लेना है, बस थोड़ा सा ये डॉट पार्टिकल जो ऊपर से धीरे धीरे इस तरह से गिरेगा, ठीक है। स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, फिर से इसे सेलेक्ट कीजिएगा, ब्लेंडिंग में जाइएगा, यहाँ पे लाइट एंड पे क्लिक कीजिए, इसे स्क्रीन कर दीजिएगा, आपका स्टेटस बस कंप्लीट है, आप ले करके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है। आप लोगों वगैरह आप यहाँ पे जो भी लगाना चाहते हो उसे लगा लीजिएगा। इस स्टेटस को एक्सपर्ट करने के लिए सेटिंग बगल में जो ये एरो देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करना है, एक्सपर्ट पर क्लिक कर देना है, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट ऑप्शन बताइएगा, और फ्रेंड्स इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे एक में दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।